पता है कागज के खिलौने बनाने की कला को क्या कहते हैं? ओरिगामी कहते हैं। जो कुछ भी हमने कोनों और किनारों के बारे में सीखा है, हम उस सब का यूज ओरिगामी में करेंगे। तैयार है फिर सीखने के लिए? अब जरा गिनिए तो इस चिड़िया के कितने कोने और कितने किनारे हैं? कागज के तो सिर्फ चार किनारे और कोने थे, अब कितने सारे हो गए? पता है कोने और किनारे की समझ से हम ढेर सारी आकृतियां बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं तीन रेखाएं बनाती हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो बन जाएगा त्रिकोण। मैंने तो सिर्फ तीन रेखाएं खींची, पर बन गए तीन किनारे और तीन कोने। चलिए अब हम एक तारा बनाते हैं। मैं पांच रेखाएं बनाऊंगी, ऐसे 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 और ऐसे। देखो बन गया तारा। अब बताओ इसमें कितने कोने और किनारे हैं? समय चाहिए तो वीडियो पॉज करें, मैं इंतजार करूंगी। अब इस आकृति को देखें और बताएं इसमें कितने किनारे और कोने आपको दिखते हैं। आप गिनते रहिए, मैं तो चली। बाय।